आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट के जैसा क्रिस्पी डोसा बनाने की रेसिपी। डोसा बनाने के लिए हमें सही माप और सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, और वही मेजरमेंट और वही तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपका भी डोसा बिना फेल हुए हर बार अच्छा बनेगा और तवा में चिपकेगा भी नहीं। वही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। मेरे किचन रेखास फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले 2 कप चावल। यहाँ पर मैंने इडली राइस का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही डाल देंगे उसमें 1/2 कप उड़द की दाल, 2 बड़े चम्मच चना दाल और 1 चम्मच मूँग की दाल, और साथ ही डाल देते हैं 1/2 चम्मच मेथी। इन सब को डालकर हम अच्छे से 2 से 3 बार इसको वॉश कर लेंगे। दोस्तों, सही मेजरमेंट के साथ बनाने से आपका डोसा हर बार अच्छा बनेगा और बिना फेल हुए बनेगा। दाल चावल को धोने के बाद हमें इसमें पानी डालकर ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे के लिए भिगो देना है। 6 से 7 घंटे हो गए हैं, तो अब ये देखिए हमारा दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से भीग गया है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं 3/4 कप पोहा। यहाँ पर मैंने पतला वाला यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास यही था। आपके पास अगर मोटा वाला है तो आप उसको धोने के बाद 1/2 घंटा के लिए भिगोकर छोड़ दें, और 1/2 घंटा भिगोने के बाद ही हम उसको चावल के साथ पीसेंगे। ये देखिए ये धोते के साथ ही बिल्कुल ही गल गया है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी की जार में, क्योंकि अभी हमें दाल चावल के साथ इसको पीसना है। तो ये पोहा डाल दिया है हमने, अब इसमें डाल देते हैं हम हमारा भीगा हुआ दाल और चावल। एक बार में जितना मिक्सी में जाएगा उतना ही हम डालेंगे, बाकी का हम बाद में पीस लेंगे। तो दाल चावल डालकर हमने यहाँ पर 1/4 कप पानी डाल दिया है, और ये देखिए पानी डालकर बिल्कुल स्मूथ हमने इसको पीस लिया है। परफेक्टली ये पीस गया है, ये हल्का सा एकदम ज़रा सा दरदरा सा है। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम किसी भी बर्तन में जिसमें आप इसको फर्मेंट कर सकें, वैसे बर्तन में आप इसको पलटिए। इसी तरह से सारा हम बैटर को पीस कर इसमें डाल देंगे जिसमें हमें फर्मेंट करना है। दोस्तों, एक बार आप इस मेजरमेंट से ज़रूर बना कर देखिए, आपका डोसा भी बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। तो ये सारा यहाँ पे डालने के बाद मैं अपने हाथों से इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ ताकि इसके अंदर हवा भर जाए। जब तक हवा नहीं भरेगा तब तक अच्छा फर्मेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने अब ढक्कन लगा दिया है, अब इसको 8 घंटे के लिए छोड़ देंगी। अगर गर्मी है तो 8 घंटे में हो जाएगा, अगर ठंड है तो 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। जब डोसा बना रहे हैं तो आलू के मसाले के बगैर तो वो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो चलिए अब आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया था। जब तेल गर्म हो गया तो हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चने की दाल डालकर थोड़ा सा भून लिया था, और उसमें डाल दिया हमने 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच छोटी वाली राई और थोड़े से कड़ी पत्ते। अब सारी चीज़ों को डालकर हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब डाल देते हैं इसमें 2 हरी मिर्च और 2 कटा हुआ प्याज, जिसको हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटा है ताकि इसमें प्याज का क्रंच बना रहे। प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। ये देखिए हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो अब हमने ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर। इन सबको डालकर हमें लगभग 30 सेकेंड के लिए हमें भून लेना है। मसाले भून गए हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं बॉइल्ड किया हुआ 7 से 8 आलू और स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालकर हमें 2 से 3 मिनट तक आलूओं को भून लेना है। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए आलू हमारा भून गया है। तो अब हम इसको थोड़ा गीला करने के लिए डाल देते हैं 1/4 कप पानी। पानी डालने से आलू जो है थोड़ा गीला हो जाएगा और थोड़ा लटपटा सा बनेगा, जिससे हम डोसा में अच्छे से इसको फिल कर पाएंगे। फिल तो वैसे भी कर लेंगे लेकिन पानी डालने से ये डोसा में अच्छे से चिपक जाएगा।
अब आलू को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/4 कप मूंगफली और थोड़ा सा हरा धनिया। नींबू का रस डालने से आलू हमारा चटपटा बनेगा और मूंगफली डालने से इसका नटी फ्लेवर्स आलू में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आलू हमारा रेडी हो गया है, तो अब इसको हम अलग रख देते हैं। अब 8 घंटे हो गए हैं, तो अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना फूल गया है और फर्मेंट भी कितना अच्छा हो गया है। तो अब इसमें हमें नमक डालना है, तो नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया है, 1 छोटा चम्मच। अब इसको मिला देना है हमें अच्छे से। दोस्तों अगर इस मेजरमेंट से आप डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा कभी भी ख़राब नहीं होगा और न ही तवा में चिपकेगा। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। अगर गाढ़ा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी मिला सकते हैं इसमें। तो चलिए अब डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए हम डोसा तवा को बिल्कुल हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से हीट कर लेंगे, यानी कि गर्म कर लेंगे। अब उसमें तेल लगा देना है हमें। तेल लगाने के बाद ऊपर से पानी के छींटे डाल देना है और साफ़ कपड़े से तवा को पोंछ देना है। अब 1 लैडल डोसा बैटर लेकर डाल देते हैं और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ लाते हुए गोल गोल घुमाते हुए डोसा को फैला देना है। अब इस समय हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, हाई पे नहीं पकाना है, नहीं तो अंदर से वो रेड तो हो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं हो पाएगा हमारा डोसा, इसलिए हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। और जैसे ही ये थोड़ा ऊपर से ड्राई होने लगेगा तब हम इसमें तेल फैला देंगे। तेल, बटर या घी, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अगर आप इस मेजरमेंट से, इस टिप्स एंड ट्रिक से बनाएंगे तो आपका भी डोसा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। अब इसको धीरे धीरे रेड होने देना है हमें। जब ये अंदर से यानी कि नीचे से थोड़ा रेड दिखने लगेगा तब हम ऊपर से आलू डालेंगे। जो आलू हमने प्रिपेयर करके रखा है वो हम आलू को फैला देंगे। ये देखिए चारों तरफ से ये थोड़ा रेड हो भी गया है हमारा डोसा और मैंने आलू को फैला भी दिया है। अब इसको आपका जैसा मन करे वैसे आप इसको फोल्ड कर लीजिए डोसा को। और ये देखिए हो गया डोसा तैयार हमारा। आप इसी तरीके से दूसरे डोसा भी जितने आप बनाना चाहें आप बना लें, और जितना डोसा आपको बनाना है उतना डोसा बनाएं और बाकी का बैटर को आप फ्रिज में भी 1 से 2 दिन रख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे डोसे को ऐसे फैला के बना लेती हूँ। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए हमारा डोसा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो आप भी जाके बनाइए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। ये देखिए हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर बिल्कुल ही रेडी है। अब तो मैं तो जा रही हूँ इसको एंजॉय करने चटनी और सांभर के साथ। आप भी बनाइए और बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।